हेलो एवरीबॉडी गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल अवी। दोस्तों, दो तीन दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी IQ ऑप्शन की स्ट्रैटजी के बारे में, जहाँ पर हमने बात की थी 3 मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर स्ट्रैटजी के बारे में, जिसे रेनबो स्ट्रैटजी भी कहा जाता है। ठीक है, तो मूविंग एवरेज के 3 का कॉम्बिनेशन इस तरीके से हमने रेडी किया था। तो वो जो कॉम्बिनेशन था बहुत अच्छे से वर्कआउट हुआ था IQ ऑप्शन में, और वही कॉम्बिनेशन आज बायनोमो में आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो कन्फ्यूज हैं रिगार्डिंग द सेम। लोग हैं मुझे मैसेजेस करके, कमेंट्स करके पूछ रहे हैं, सर आपने जो स्ट्रैटजी बताई है, क्या हम उसे ओलिम्प ट्रेड और बायनोमो में यूज़ कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप उसे यूज़ कर सकते हो। अगर आप ऐप में यूज़ करना चाहते हो तो ऐप में भी कर सकते हो, बायनोमो में और ओलिम्प ट्रेड में भी। जहाँ पे भी अगर कोई स्कोप है प्रॉब्लम का, जहाँ पे अगर मुझे लगता है आप लोग प्रॉब्लम फेस करोगे, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा। बट आज की जो वीडियो है, इसमें मैं आपको बायनोमो वेब वर्जन में और ऐप में दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप 3 मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रैटजी यानी रेनबो को आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, अभी मैं लाइव अकाउंट से लॉगिन हूँ। यहाँ पे बैलेंस आप देख पा रहे हैं, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ पेज को, मैं रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ, देन विल प्रोसीड फर्दर। तो यहाँ पे अब जो है, सबसे पहले हम जो कंसिडर करते हैं चीज़ों को, वो ये कि ग्राफ का जो टाइमिंग है वो 1 मिनट आपका होना चाहिए। ठीक है, आपने 1 मिनट सेलेक्ट कर दिया। पैटर्न जो है कैंडलस्टिक का, वो कैंडल्स होना चाहिए, माउंटेन लाइन बार्स नहीं, वो कैंडल्स होना चाहिए। अब स्ट्रैटजी पे आते हैं, तो स्ट्रैटजी कैसे मिलेगी आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर ही ऊपर आपको मूविंग एवरेज दिख रहा है ना, मूविंग एवरेज पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करना है और यहाँ पे देखेंगे आप, कुछ फील्ड्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, देखेंगे फील्ड्स आपको यहाँ पे ऑफसेट, यहाँ पे पीरियड और यहाँ पे टाइप। आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है सिवाय पीरियड के। पीरियड आपको कितना कर देना है, 6। तो पहले का पीरियड आपको कर देना है 6। 6 पीरियड करने के बाद आपको कलर जो है इसका ब्लू कर देना है। जैसे कि अगर आप कलर जो चाहे वो कर सकते हो, आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे मैंने ब्लू कलर कर दिया। ठीक है, मैं पहली जो स्ट्रैटजी अप्लाई की हुई थी उसको डिलीट कर देता हूँ एक बार, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, अब मूविंग एवरेज पे आपको फिर से क्लिक करना है। यहाँ पे जो पीरियड है उसको आपको कर देना है 13। ठीक है, 13 मैंने यहाँ पे कर दिया। इसका कलर आपको येलो ले लेना है। अगर आप मेरे बेसिस पे चलना चाहें तो मैं तो येलो प्रेफर करता हूँ। और उसके बाद आपको मूविंग एवरेज पे एक बार फिर से क्लिक करना है। ऑफसेट जैसा है वैसे ही रखना है। पीरियड जो है इसको हमें कर देना है 26 का। कलर जो है यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं ग्रीन। हाँ, आप ग्रीन कर सकते हैं, ग्रीन भी अच्छा कलर है। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर पे जो है अप्लाई कर दिया है। तो हमारा कुछ इस तरीके का सिनेरियो बन के आ गया है। ठीक है, अब कैसी वर्किंग होती है इसकी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बट आज मैं फिर से आपको बताने वाला हूँ चार्ट की मदद से कि कैसे वर्क करता है ये सिनेरियो। क्योंकि आपने IQ ऑप्शन में इसको यूज़ किया, 2 से 3 दिन के अंदर 7,000+ व्यूज़ हैं उस वीडियो पर, और बहुत प्यार मिल रहा है, और कमेंट्स मैंने देखी, इतनी प्यारी प्यारी कमेंट्स आपने दी हैं। तो मूविंग स्ट्रैटजी जो है, ये मूविंग एवरेज की स्ट्रैटजी है, बहुत अच्छे से वर्क कर रही है दोस्तों। ठीक है, बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। तो आपको करना क्या है, देखिए मैंने चार्ट को पीछे लेके आ गया हूँ आपको समझाने के लिए। आपको बस इतना याद रखना है कि हमारी स्ट्रैटजी की स्टार्टिंग कैसे हुई थी, मतलब हमारा जो लोअर पोर्शन है। ठीक है, लोअर पोर्शन यानी सबसे लोअर ट्रेंड लाइन जो है हमारे पास, वो हमारे पास है ब्लू, यानी ब्लू कलर का जो ट्रेंड लाइन है उसमें हमने टाइम पीरियड 6 सेट किया हुआ था। येलो कलर की लाइन को आप कंसिडर ही मत करो, कंसिडर इन द सेंस हमें जो काम पड़ेगा वो ब्लू का एंड ग्रीन का पड़ेगा मेनली। तो आपको करना क्या है, देखो जैसे ही ब्लू कलर की लाइन डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस करती है येल्लो कलर की लाइन को, येल्लो कलर की लाइन मतलब जहाँ पर हमने मीडियम रेंज का टाइम पीरियड सेट किया हुआ था। तो मैं कोशिश करूंगा दोस्तों थोड़ा सा आसान भाषा में आपको समझाने के लिए। देखिए ब्लू कलर की लाइन है, हमने ब्लू कलर की लाइन यहाँ पे सेट की हुई है। देखिए मैं अभी आपको थोड़ा सा और आसानी से समझा देता हूँ। ये जो कलर है ये ब्लू कलर की लाइन थी, तो यहाँ पे हमने 6 सेट किया हुआ है मूविंग एवरेज का जो टाइम पीरियड है कैंडल स्टिक का। और यहाँ पर हमने जो है 13 किया हुआ है, यानी मीडियम जो लाइन है उसका 13 है, जिसका कलर येल्लो है। एंड देन लास्ट वाली है जो 26, कलर इसका ब्लू, माफ़ी चाहूँगा, ग्रीन है। ठीक है, अब कैसे वर्कआउट होगी चीज़ें, देखिए जैसे ही ब्लू कलर की लाइन यहाँ पे इस मोमेंट पे जहाँ पे आपको क्रॉस करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में येलो कलर की लाइन को, तो एट यहाँ पे आपको बिल्कुल वेट नहीं करना है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको ट्रेड लेनी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1 मिनट या उससे कम के टाइम पे। आप बायनोमो में IQ ऑप्शन में 1 मिनट उससे कम के टाइम पे ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1 मिनट की ट्रेड लेनी है अगर आप ओलिम्प ट्रेड यूज़ करते हो तो। ठीक है, 1 मिनट की ट्रेड लोगे आप डेफिनेटली विन करोगे। अब कुछ और कंडीशंस आपको दिखाता हूँ।
ठीक है, देखिए इसके थोड़ा सा पीछे अगर आप चलते हैं तो जैसे ही आपको ये ग्रीन कलर की लाइन है, ग्रीन कलर की लाइन दिखेगी क्रॉस करती हुई डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब इस ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है ये, लेकिन येलो को क्रॉस कर रही है हल्की सी, और हल्की सी येलो क्रॉस करके अगर ये ऊपर की तरफ जाती है, मतलब आपको 1 मिनट की ट्रेन ले लेनी है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। देखिए यहाँ पे ना आपको ज़रूरी नहीं है कि ये जो ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब क्रॉस करे तो दोनों को करे, ग्रीन को भी करे और येलो को भी करे, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये येलो कलर की लाइन को, सिर्फ येलो कलर की लाइन को क्रॉस कर देती है तो हमारे पास कन्फर्मेशन हो जाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन का, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब कुछ और देखते हैं, कुछ और कन्फर्मेशन मिले अच्छा सा। तो देखिए यहाँ पे कोई क्रॉस नहीं किया है ग्रीन कलर की लाइन ने येलो कलर की लाइन पे, तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़ मत होना आप, कन्फ्यूज़ ले गई। देखो अब इस कंडीशन की बात करते हैं तो यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइन ने ज़रूर क्रॉस किया था येलो कलर की लाइन को, लेकिन ये डाउनवर्ड गया है, थोड़ा सा अपवर्ड आने का वेट करना है आपको। इस पॉइंट पे अगर आप 1 मिनट अपवर्ड डायरेक्शन पे ट्रेड लोगे तो आप विन करोगे, ठीक है। बाकी तो सब कुछ सही है, जब भी देखो ये ब्लू कलर की लाइन है येलो को डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस करेगी डाउनवर्ड ट्रेंड होगा, जब भी ग्रीन कलर की लाइन है ये येलो को अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेंड को क्रॉस करेगी तो अपवर्ड ट्रेंड होगा। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ और वापस भी अभी मतलब बता दिया है, तो बहुत बहुत इजी स्ट्रैटेजी है, बहुत प्यारी स्ट्रैटेजी है और अच्छे से अप्लाई भी हो रही है, काम भी कर रही है। तो यार करना क्या है आपको, अभी तक वीडियो देख रहे हो ना तो यार एक लाइक कर दो, प्यारी सी स्ट्रैटेजी है। और अभी अभी कोई हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है तो अभी हम कोई ट्रेड नहीं लेने वाले फिलहाल, मैं अभी कोई और चार्ट करके आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, उम्मीद करूंगा तब तक आप लाइक कर दोगे जब तक चार्ट ओपन होता है। तो चार्ट ओपन हो गया फ्रेंड्स, अब देखते हैं इस चार्ट में। तो देखिए यहाँ पे ब्लू कलर की लाइन ने येलो कलर की लाइन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस किया और 1 मिनट के लिए ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। यहाँ पे देखोगे ग्रीन कलर की लाइन ने येलो कलर की लाइन को क्रॉस ज़रूर किया लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं शो रहा ट्रेंड, तो यहाँ पे यहाँ तक हम वेट करेंगे। इसके बाद देखो ये जो ग्रीन कलर की लाइन है थोड़ा अपवर्ड ट्रेंड लेने लग गई है, तो यहाँ पे आपको 1 मिनट की ट्रेड जो है वो प्लेस कर देनी है इस पॉइंट पे अपवर्ड डायरेक्शन में, आप डेफिनेटली विन करोगे। अब आते हैं थोड़ा सा और, देखो यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइन ने येलो कलर की लाइन को क्रॉस किया, थोड़ा सा वेट किया आपने यहाँ तक का, यहाँ तक का वेट करने के बाद अपवर्ड ट्रेंड आपको मिला और आपने 1 मिनट की ट्रेड प्लेस कर दी और आप विन कर गए, डेफिनेटली करोगे। तो बहुत प्यारी सी स्ट्रैटेजी है यार भैया, बहुत प्यारी सी स्ट्रैटेजी है। एक चीज़ और बता दूंगा, लाइक तो आपने अभी तक कर ही दिया होगा यार, चैनल पे बिल्कुल नए हो ना तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि बहुत हेल्प मिलने वाली है आगे आने वाले टाइम में, सिर्फ बाइनरी और फॉरेक्स से रिगार्डिंग नहीं, पैसा कैसे कमाए, पैसा मार्केट से आप कैसा निकाल सकते हो घर पे बैठे बैठे, इसकी बहुत सारी टिप्स मिलने वाली है अबाउट शेयर मार्केट और बहुत कुछ। तो सब्सक्राइब आपने कर दो, और यार एक और चीज़ यार, प्यारी प्यारी कमेंट्स कर दो ताकि आपकी कमेंट्स और लाइक से हिम्मत बढ़ती है, और शेयर किया करो यार वीडियोज़ को। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।